Just one second. Yeah, thank you. Proud तो नहीं, but मुझे बहुत एक proud से ज़्यादा एक अलग सी excitement है, because आप जब भी जाते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं कि हम इस awards के लिए जा रहे हैं, पर मैं जितनी बार भी अपने दोस्तों को बता रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, so every time I have to tell them कि मैं घंटा award के लिए जा रहा हूँ, उतनी बार मेरे चेहरे पे smile आ जाती थी, so I think इसका एक जो बहुत अच्छा purpose है, वो solve हो जाता है कि आप ये नाम लेते ही आपके चेहरे पे एक smile आ जाती है. Of course, एक बार सबको ये लगता है कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, बट या मुझे जब मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है, तो देन दे बिलीव इट. टीवी इंडस्ट्री से अगर बात करें तो कौन सा ऐसा सीरियल है जिसको अवार्ड देना चाहेंगे, और कौन सा ऐसा एक्टर और एक्ट्रेस रहेगी आपके हिसाब से? यार आप लोग क्यों इंडस्ट्री से निकलवा रहे हो मुझे? आई कांट. सो अगर क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अवार्ड्स कोई बड़ा छोटा नहीं होता, अवार्ड्स यार चीज़ें अच्छी बुरी होती हैं, और घंटे में भी कोई बुराई नहीं है इस अवार्ड में. मतलब इट्स जस्ट दैट आपको एक एक नया एंगल है, नई सोच है, और आप अगर अच्छाई सुनते रहेंगे और क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो लाइफ में आपको अच्छे बुरी की समझ नहीं होगी. सो एंड आई स्टिल वुड नॉट कंसिडर इट बैड, इट्स जस्ट अ फन पार्ट ऑफ इट. सो यार यार आई हैव बीन क्वाइट फॉर्चुनेट व्हेन इट कम्स टू ऑल दैट. सो मुझे कोई ऐसा रैंडम या वियर्ड कमेंट याद तो नहीं आ रहा है, पर अगर आ रहा हो तो तुम्हें ज़रूर बता देता. मतलब आई हैव बीन क्वाइट लकी व्हेन इट कम्स टू ऑल दैट. हाँ, पर मैं इनिशियली जब आया था तो मुझे बहुत आउट वैसे सुनने में मिलता था, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत पतला और बहुत अजीब सा दिखता था. सबको लगता था यार कि इसको एक्टर कैसे बना दिया. सो ऑब्वियसली आई वॉज नॉट अ गुड एक्टर ऑल्सो दैट टाइम, बट नाउ आई थिंक ऑफ लेटली काफ़ी एक दो सालों से कुछ ऐसा बुरा सुनने को मिला नहीं है, या कुछ इतना वियर्ड कमेंट या कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला. सो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. बड़ी मूवी है तो कुछ ऐसे, सॉरी, 1111 ऐसी कौन सी बड़ी मूवी है जिसको आप देखना चाहते हैं घंटा अवार्ड्स में? प्रेम रतन धन पायो एंड दिलवाले आल्सो. I think Prem Ratan Dhan Payo, because I am a big Salman Khan fan and I had like very high expectations out of the film. Guys, kill me. No, I'm not saying it should get a ghanta award, but I'm just saying. No, I'm just saying that I had like very high expectations out of the film. यार आई नो आप लोग बोलेंगे कि ये मैं बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा हूँ, बट यार लिटरली हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है, अच्छी बुरी. हर इंसान अपनी तकदीर लेकर आता है. सो किसी की बहुत अच्छी हो जाती है, किसी की ठीक ठीक होती है, किसी की नहीं चल पाती. सो वो कहना गलत होगा यार. ऑफकोर्स मैंने अपना पहला साइन किया, उससे पहले मुझे एक बार बुलाया गया कि अरे एक लड़का NRI से आ रहा है, ही इज़ NRI अब्रॉड से आ रहा है, और उसका कॉलेज का पूरा ट्रैक है और ये है वो है. और जिस दिन मैं शूट पे पहुंचा, उस दिन उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर दो गाने गवाए, एंड दैट वाज इट, दैट वाज माय ट्रैक. और मुझे कुछ कम से कम 6 महीने का ट्रैक सुनाया गया था. सो दैट वाज डेफिनेटली अ घंटा ट्रैक फॉर मी, एंड नथिंग हैपेंड आफ्टर दैट. नहीं, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो मेरे साथ धोखा हुआ था, वो मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया था. सो दैट्स इट यार. यार जो शो में मेरे जो बेटे हैं तोलू मोलू, मैं उनको पास करना चाहूँगा, बिकॉज वो बहुत क्रिएटिवली फनी हैं, और मुझे पता है कि अगर मैं उनको घंटा अवार्ड दूंगा तो वो बहुत अच्छे से उसको रिसीव करेंगे, एंड आई थिंक वो ही दो लोग हैं जो उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर सकते हैं. सो आई थिंक दे डिज़र्व इट. यार बेइज्जती की बात नहीं, इट्स जस्ट दैट आई थिंक एज आई टोल्ड यू दैट जितनी बार भी मैंने बोला घंटा अवार्ड, उतनी बार एक स्माइल आ जाती है फेस पर.
सो जस्ट आई थिंक कोई भी दिल से किसी का बुरा या बोलना नहीं चाहता, इट इज दैट दैट इट्स जस्ट अ फन थिंग टू डू. बिकॉज अगर आज हम हमारे कॉमेडी शोज देखते हैं जिसमें बहुत सारे कॉमेडी शोज आ रहे हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज अपनी फिल्म्स प्रमोट करने जा रहे हैं, वहाँ पे हर तरह की मस्ती होती है, वहाँ पे अच्छी भी और बुरी भी. सो वहाँ पे वो सेलिब्रिटीज भी इंजॉय करते हैं और लोग भी इंजॉय करते हैं, एंड दैट इज अ एंगल टू जस्ट लुक एट. सो आई वुड नॉट से दैट कोई भी किस तरह से किसी की इंसल्ट करने की कोशिश करे या बुराई करने की कोशिश करे, इट्स जस्ट अ क्रिएटिव वे टू मेक फन. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. I hope my film doesn't get Ghanta Award for sure. Thank you. Still there. Fight.